फ्रेंड्स, कलर बार का प्रोडक्ट है जिसका रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। कलर बार का स्पॉट लाइट इम्यूलेटिंग लोशन है ये, 30 ml में आता है ये। और जो ये कलर बार के प्रोडक्ट होते हैं वो सल्फर फ्री होते हैं और ये मेड इन इटली है। पैराबेन और सिलिकॉन फ्री होते हैं। जो इसका प्राइस है वो आप देख पा रहे हो, 950। सो इसकी लाइफ स्पैन भी आपको 2 ईयर्स की मिल जाती है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप गाइज आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हम बात कर रहे हैं कलर बार का स्पॉटलाइट इम्यूनिटी लोशन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, बुरा है। मैं इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू दूंगी। पैकेजिंग मैंने आपको दिखाई दी है और इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा लग्जीरियस सी है, आप देख सकते हो। तो ये ट्रेवल फ्रेंडली भी है। और बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, वो सब मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में ही। सो हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। इस तरह से ये लॉक हो जाएगा और इस तरह से ये ओपन होएगा। सो हम प्रोडक्ट निकालते हैं और ये प्रोडक्ट हमें थोड़ा सा ही लेना है और हम कई तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। कैमरे को तो थोड़ा सा मैं क्लोज कर लेती हूँ ताकि आपको इजिली मैं इसका रिजल्ट दिखा सकूँ। ये प्रोडक्ट लिया है हमने इतना सा। ये हमारी स्किन में और जो लोशन होते हैं हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर करते हैं बहुत अच्छे से। इसको हमें कैसे अप्लाई करना है, पहले टोनर लगा लेना है आपको और आप इसको प्राइमर के साथ भी अप्लाई करके लगा सकते हो। वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगी आप किन किन चीजों के साथ इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले अपनी स्किन को प्रम्प कर लेना है, प्रम्प स्किन केयर कर लेना है अपना, टोनर लगा लेना है, मॉइस्चराइजर लगा लेना है, सन प्रोटेक्शन लगा लेना है अगर आप डे में मेकअप कर रहे हो तो। और उसके बाद देख सकते हो ये कितना ज्यादा हाईलाइट कर देता है आपके। तो ये देख सकते हो आप, ये पिंकिश सा ग्लो भी देता है आपको। ये देख सकते हो इसका पिंक ग्लो। और देख लो इस चिक्स पे नहीं है, आपके सामने लाइव रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लगाया है, ये देख सकते हो। और मैं इसको एक साथ अप्लाई कर लूंगी पूरे ही फेस पे और ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और एक ब्राइटनिंग लुक भी देता है आपको। ये देख सकते हो पिंकिश सा ग्लो देता है और ब्राइटनिंग लुक देता है ये। देख सकते हो इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। और इस साइड देख सकते हो आप। ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है और ये सल्फेट और पैराबेन फ्री होता है, ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट होता है कलर बार के। और इसको आप फाउंडेशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी कवरेज देता है। और देख सकते हो यहाँ पिंकिश सा ग्लो दिख रहा होगा आपको इस हैंड में। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई करा है क्योंकि मैंने आपको फेस पे अप्लाई करके दिखाया है। बहुत ज्यादा अपनी स्किन को स्मूथ कर सकता है और इसको आप समर में भी यूज कर सकते हो और इसको विंटर में भी यूज कर सकते हो। और अब मैं आपको थोड़ा सा फाउंडेशन के साथ भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन अगर आप ले लोगे तो, और इसके अंदर ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं निकलता है। तो देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ही फाउंडेशन लिया है और थोड़ा सा ही लोशन लिया है और दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपका जो फाउंडेशन होगा बिल्कुल भी केकी और पैची नहीं होगा, काफी अच्छी कवरेज आपको मिल जाएगी। और आपको सडनली नॉर्मली कहीं जाना है छोटे मोटे फंक्शन में तो आप इसको विदाउट फाउंडेशन भी लगा सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ पर ग्लो और यहाँ पर फाउंडेशन के साथ कवरेज इसकी। तो देख सकते हो आप फाउंडेशन की कवरेज भी। तो ये लोशन बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी
कि आप लोशन ये ज़रूर लीजिए अगर आपके बजट में है तो। और वीडियो पसंद आई हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। ये प्रोडक्ट वाकई में ही बहुत अच्छा है, मैंने इसको 2 साल पहले यूज़ करा था, उसके बाद मुझे थोड़ा बजट के बाहर लगा अपने, लेकिन फिर मैंने इसको दोबारा परचेज करा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन को एक बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो देता है और एक थोड़ी सी ब्राइटनिंग देता है, बहुत ज़्यादा आपके फेस को वाइट नहीं करता था, नेचुरल लुक देता है आपको और ये हल्का सा पिंकिश ग्लो देता है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। इसको प्राइमर के साथ लगा सकते हो आप, मिक्स करके थोड़ा सा अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ कर सकते हो इसको, और इसको फाउंडेशन में मिला के भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, आप जैसे कि लाइव देख ही सकते हो। यही था इसका ऑनेस्ट रिव्यू जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। कोई भी इंक्वायरी हो आपकी किसी प्रोडक्ट पे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।